हे गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं पवन सकड़ और मैं फिर से एक बार आप सबका मेरे YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफ़ी टाइम से मैं सोच ही रहा था कि क्यों ना मैं अपने ऑडियंस के लिए कुछ ट्यूटोरियल वीडियो, कुछ फंक्शनिंग टाइप वीडियो लेके आऊं, ताकि जो मैंने अब तक सीखा है, जो मैंने अब तक एक्सपेरिमेंट किया है, जो चीज़ें मैंने जो चीज़ों में मैंने ग्रो किया है, उन सारी चीज़ों को मैं आपके साथ इस चैनल के थ्रू शेयर कर सकूँ। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अब तक किया नहीं है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और अगर आज का वीडियो अगर आपको पसंद आता है और या फिर आपको इन्फॉर्मेटिव साबित होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका एक एक लाइक और आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। तो आइए दोस्तों, बात करना चाहूँगा कि मेरे पुरानी वीडियोज़ में अगर आपने मेरा दिल बिचारा सैड और इमोशनल बीजीएम समथिंग इज देयर, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा या फिर ले चल मुझे दोनों वर्जन अगर आपने देखे होंगे, तो आपने वहाँ पे एक चीज़ नोटिस किया होगा कि दिल बेचारा इमोशनल बीजीएम में आपको सस्टेन बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल का हो गया, वो मतलब बहुत ही ओवरेज हो गया है। तो दोस्तों, बात करना चाहूँगा कि वो सस्टेन हुआ कैसे, जबकि मेरे पास सस्टेन बंडल ही नहीं है। जी दोस्तों, आज का वीडियो बस वही होने वाला है कि कैसे आप अपने कीबोर्ड को सस्टेन कीबोर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग सस्टेन पैंडल। जय दोस्तों, मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ कि कैसे, हाउ यू कैन टर्न योर कीबोर्ड इनटू सस्टेन कीबोर्ड विदाउट यूजिंग सस्टेन पैंडल। जय दोस्तों, सबसे पहले बात करूँगा कि सस्टेन पैंडल होता क्या है। दोस्तों, अगर आपने ग्रैंड पियानो देखा होगा, ग्रैंड पियानो मतलब जो बड़े बड़े होते हैं, अगर आपने मूवीज़ में देखे होंगे तो दोस्तों, ग्रैंड पियानो बजाते वक्त आपने एक नोटिस किया होगा कि उनके पैरों के नीचे जो तीन तीन क्या होते हैं, उसको हम पेंडल बोलते हैं। पेंडल जो आपके कीबोर्ड को सस्टेन करते हैं, यानी कि आपके जो साउंड क्वालिटी है कीबोर्ड की, एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। वो किस तरीके से, आपके साउंड को जब तक सस्टेन मिलता नहीं तब तक वो ऑर्डिनरी रहता है। अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर आप सिर्फ हल्के से कौन सा एक नोट बजाइएगा, वो थोड़ी देर में छूट जाएगा, बट अगर सस्टेन इस्तेमाल करने के बाद उसको अगर आप दबा के रखोगे तो वो थोड़े समय तक वो मतलब लंबा खींचा जाएगा, उसी को हम सस्टेन कहते हैं। और सस्टेन अलग अलग टाइप के भी आते हैं, कभी तीन टाइप के आते हैं, कभी एक एक टाइप के आते हैं। तो दोस्तों, खैर ये तो बात रही सस्टेन की, सस्टेन को साइड में रखते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि आपके पास पैसे ना हो, या फिर हो सकता है कि आप खरीदना नहीं चाहते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है, या फिर हो सकता है कि आप ऐसे तलाश में हो जो कि आपको बेस्ट क्वालिटी का लगे। तो दोस्तों, बात करना चाहूँगा कि अगर आपके पास बजट नहीं है या फिर मार्केट में अवेलेबल नहीं है, या और उसी वक्त आपको वीडियो शूट करना है या फिर आपको कुछ उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है, तो आपको रुकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इसी वीडियो के थ्रू एक ट्रिक शेयर करने वाला हूँ, वही ट्रिक को आपको वहाँ पे एक्टिवेट करना है और आपका कीबोर्ड सस्टेन कीबोर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और सस्टेन और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये मतलब वार्निंग टाइप होगी। दोस्तों, मैंने बहुत सारे वीडियोस में ये भी देखा है कि बहुत सारे यूट्यूबर या बहुत सारे जो क्रिएटर होते हैं, वो अपने कीबोर्ड में सस्टेन करने के लिए एल्यूमिनियम का पेपर लगाते हैं, जो सस्टेन नॉब के यहाँ पे होता है वहाँ पे लगाते हैं। दोस्तों, मेरी राय इसके ऊपर ये रहेगी कि आप ऐसी चीज़ बिल्कुल भी ना करें। वो क्यों, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वो सारी चीज़ें एक्सेप्शनल जो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें इस्तेमाल करने के बाद आपका जो सस्टेन नॉब है वो ख़राब भी हो सकता है, या फिर आपके कीबोर्ड में कुछ ख़राबी आ सकती है। तो इसीलिए मेरी जो राय होगी वो बिल्कुल भी ना होगी, उससे बेहतर आप ये जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला वो ट्रिक इस्तेमाल कीजिएगा और अपने कीबोर्ड को इन सारी चीज़ों से, जो एक्सेप्शनल से, उन सारी चीज़ों से आप दूर रखिएगा, और जो नेचुरल है वो नेचुरल आप इस्तेमाल कीजिएगा और प्ले कीजिएगा। और चलिए, ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा ना खींचते हुए सीधा चलते हैं अपने कीबोर्ड की ओर और जानते हैं कि कैसे हम उस सारी चीज़ों को एक्टिवेट कर सकते हैं। आइए, तो दोस्तों, ये रहा मेरा पियानो और यहीं पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने कीबोर्ड को सस्टेन कीबोर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपका फेवरेट टोन चूज़ कीजिएगा, जैसे कि मैं नॉर्मली ग्रैंड पियानो ही चूज़ करने वाला हूँ, तो ये पोर्टेबल ग्रैंड में बटन दबा देता हूँ, पोर्टेबल ग्रैंड दबा दिया। दूसरा स्टेप ये, आपको फंक्शन बटन में जाना है, कौन से भी कीबोर्ड एडवांस कीबोर्ड में फंक्शन बटन होता है उसमें जाना है। उसके बाद आपको जाना है एम रिलीज़, आपको यहाँ पे दिख जाएगा एम रिलीज़ में, एम मतलब मेन, तो मेन मतलब ये मेरा अभी मेन वॉल्यूम है। अभी आपको ये जो एम रिलीज़ जो 064 दिख रहा है, इसको आपने करना है 107 किया।
वहाँ पे आपको दिखाई देता होगा। अभी इसका वॉल्यूम चेक कीजिएगा, पहले इसका वॉल्यूम क्या था, अभी इसका वॉल्यूम क्या है देखिएगा। हुआ कि नहीं सस्टेन, जैसे कि आपने देखा कि मैंने कैसे अपने कीबोर्ड को सस्टेन कीबोर्ड में कन्वर्ट किया विदाउट यूजिंग एनी सस्टेन पेडल। आइए एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैंने पियानो टोन चूज़ किया, पियानो टोन चूज़ करने के बाद मैं फंक्शन बटन में गया, फंक्शन बटन में जाने के बाद मैंने वहाँ पर एम रिलीज़ फंक्शन चूज़ किया यानी कि मेन रिलीज़, और मेन रिलीज़ फंक्शन को चूज़ करने के बाद उसका जो वॉल्यूम है वो मैंने 107 तक रखा, और फिर बाद में मैंने ट्राई किया कि मेरा सस्टेन काम कर रहा है या नहीं, बट मेरा सस्टेन काम कर रहा था। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव साबित हुआ होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। अगर आपके पास कोई डाउट्स है मुझे ज़रूर लिखना ना भूलें, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उन सारी चीज़ों को मैं क्लियर करूँ आपके लिए। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी करिए, अगर आपने मुझे फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी कीजिएगा। और ऐसे ही हम अपने स्किल्स को बढ़ावा देते रहे और ऐसे ही हम सारी चीज़ें सीखते रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे कौन से नए वीडियो पे जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए आप आपका और आपके अपनों का ख्याल रखिएगा। मैं हूँ पवन सकट एंड आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।